सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार मैं बाजी जरूर मारूंगा, इस बार मैं बाजी जरूर मारूंगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ये लाइन उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो ये वाला सेक्शन बताऊंगा, अगर आप इस वाले सेक्शन को एकदम ध्यान से अंत तक देख लिए तो आप पहली बार कमेंट करोगे कि यूट्यूब पर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो और इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होगे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले आपके तीन जो सबसे ज्यादा कॉमन बहुत ही स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे इसके बारे में वो मैं बताऊंगा, और वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर अगर अभी तक आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त महीना बर्बाद कर दिया है तो आप सितंबर से ये वाली स्ट्रेटेजी लगाकर आप कम टाइम में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके कैसे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। आपको ये 100% वादा कर सकता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी अभी तक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। फिर आज की इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज भी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है या फिर आप सोच रहे हो अब एकदम जबरदस्त तैयारी शुरू करने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया है सितंबर से पढ़कर 90% कैसे ला सकते हैं, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, आपका इस समय कोरोना की वजह से 30% सिलेबस कटा है, ठीक है। और अभी तक कितने स्टूडेंट है जिन्हें पता ही नहीं कि उनके सिलेबस से क्या घटे हैं, कौन से चैप्टर्स घटे हैं, वो आए दिन कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ में क्या घटा है, फिजिक्स में क्या घटा है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 10-12 के सभी सब्जेक्ट के जो जो सिलेबस घटे हुए हैं उनकी एक एक टॉपिक का वीडियो बनाया है। आप जाकर उसको, जो भी सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम है आप सबसे पहले वहां से उसको देख लेना, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया था कि सर 30% सिलेबस घटा है, सही बात है, तो क्या हमारा पेपर भी 30 नंबर कम का होगा, यानी जैसे मैथ्स का पेपर 100 नंबर का होता था तो जैसे 30% घट गया तो क्या मैथ्स का पेपर इस बार 70 मार्क्स का सिर्फ होगा, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके चैप्टर्स घटे हैं, आपके टॉपिक्स घटे हैं, लेकिन आपका मार्क्स नहीं घटा है, यानी आपके पेपर 100 नंबर की होंगे। जैसे कि अगर क्लास 12 के हिंदी या इंग्लिश या फिजिक्स की बात करें, अगर आपके 4 चैप्टर्स घटे हुए हैं तो जो आपके 12 चैप्टर बच गए उसी में से 100 नंबर का पेपर बनेगा, ये नहीं कि आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आपके चैप्टर्स टॉपिक जरूर घटे हैं लेकिन आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही बनेगा, जितने भी चैप्टर्स आपके बच गए 70% पर, ठीक है। थर्ड आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट आ रहा था कि सर जुलाई अप्रैल मई अगस्त पूरा महीना बीत गया है लेकिन आप सितंबर से हम किस तरीके से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अभी सीरियस होना शुरू हुए। तो आपके लिए अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आप 2021 में पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके जितने भी चैप्टर्स हट गए हैं और जो भी टॉपिक्स हट गए हैं सबसे पहले उनको एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक 5 रुपए वाली कॉपी लो या फिर जो भी सिलेबस से आपके हटे हैं हर सब्जेक्ट का नोट डाउन कर लो। अब दूसरी बात, वहां पर आपको दिया गया होगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उससे आपका क्या फायदा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास महीना बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि आपके जो 2 महीने लास्ट के हैं इस बार पेपर मार्च या अप्रैल में होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू हुई है, ठीक है, लेट यानी 2 महीने लेट शुरू हुई है, तो इस बार पेपर भी आपका लास्ट में शुरू होगा, 1-2 महीने लास्ट में, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। ये जनवरी, फरवरी, जनवरी हम लोग रखेंगे रिविजन के लिए, फरवरी रखेंगे PYQ, ये PYQ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको ये 4 महीने किस तरीके से पढ़ने, ठीक है। अगर अभी तक शुरू भी नहीं की हो तो भी आप 80-90% पा सकते हो, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी, क्योंकि अभी जो आपका टाइम चल रहा है बहुत क्रूशियल चल रहा है, अगर आप इसे सही से यूटिलाइज कर लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ठीक है, इसमें हम लोग अपना 80% सिलेबस कवर करेंगे, यानी हर सब्जेक्ट के 80 नंबर तैयार करेंगे। वो कैसे, आपको सितंबर में सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको सितंबर में आपके सभी सब्जेक्ट से, मैंने बताया जो जो चैप्टर जितने मार्क्स के आ रहे हैं, आपको सितंबर से 20 नंबर का फिजिक्स, 20 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर हिंदी और 20 नंबर आपका जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक्स वाई जेड आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम से हो, तो आपको हर सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के चैप्टर्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे 20 नंबर आपको मैथ्स में चार चैप्टर स्टार्टिंग के 20 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चार चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करने, इस सितंबर का आपका टारगेट है, ठीक है। आपका सितंबर का टारगेट रहेगा कि आपके हर सब्जेक्ट के 20 नंबर तैयार हो जाए। इससे क्या होगा, आपका जब 20 नंबर तैयार हो जाएगा, फिर अक्टूबर में आपको अगला 20 नंबर तैयार करना है, नवंबर में आपको अगला 20 नंबर तैयार करना है, दिसंबर में आपको अगला 20 नंबर तैयार करना है। इस तरीके से जो ये आपका 80 नंबर तैयार होगा, वो आपका इस तरीके से तैयार होगा कि उसमें से आपको रिवीजन अगर आप एक बार कर लिए तो फिर आपको वो माइंड में रिकैप हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास इससे अच्छा स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होगा। आप हर सब्जेक्ट के सिर्फ 20 नंबर तैयार करो। जैसे हिंदी में आप इंग्लिश में लग रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके जो राइटिंग सेक्शन है उसको तैयार कर लो, या फिर अनसीन पैसेज कैसे करते हैं 10 नंबर का हुआ था उसको तैयार कर लो, फिर एक ऐसे लिखना तैयार कर लो, या फिर आपके शॉर्ट स्टोरी से कुछ आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो चारों पांच चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर तैयार करो, ठीक है। आप एक एक महीने का टारगेट सेट करो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुका है, क्योंकि अभी तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, आपके ऑफलाइन कोचिंग बंद है, ऑफलाइन स्कूल बंद है, आपको प्रेशर, आपको होमवर्क चेक करने वाला कोई नहीं है, तो अब आपको खुद से मेहनत करना होगा, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तो आपका होना तय है, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अपने नाम का परचम लहराना है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले आज क्या करोगे, आप सितंबर का टारगेट सेट करोगे, अपने सभी सब्जेक्ट से 20-20 नंबर को जो आपको तैयार करने हैं, जो जो चैप्टर्स, वो एक जगह नोट डाउन करोगे, फिर आपको हर सब्जेक्ट का नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, फिर उसको आपका टारगेट रहेगा कि सितंबर में ये चार चैप्टर हमारे तैयार रहेंगे। उन चार चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पर रीडिंग कर लेनी है, फिर उसका आपको जो थ्योरी रहेगा उसको नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो मैं बताऊंगा लास्ट में आप नोट्स भी कैसे पा सकते हो, नोट्स बना लेने, फिर आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचे तो मैथ्स का आप मिसलिनियस भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के करने हैं, और आपको हिंदी इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है, यानी कहने का मतलब है आपको हिंदी इंग्लिश के भी 20-20 नंबर तैयार करने हैं सितंबर में, ठीक है। फिर इसी तरीके से अक्टूबर में आपको अगला 20 नंबर तैयार करना है, नवंबर में अगला 20 नंबर तैयार करना है, और दिसंबर में 80 नंबर आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जनवरी में आपको रिविजन करना है, ठीक है, आपको इन सभी चीजों का रिविजन करना है, और आपको ये PYQ क्या है, आपको फरवरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे तो उसमें जो आपका ये 30% सिलेबस हट गया है वो भी उसमें ऐड है, क्योंकि पिछले साल तो हटा नहीं था, तो वो कैसे आपको मिलेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो में बने रहना। तो आपको क्या कहना है, आपको सबसे पहले जनवरी में इसका रिविजन करना है ये 80 नंबर का, फिर आपको फरवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो हर सब्जेक्ट से मान के चलो आपके 10 नंबर तो यहां से मिल जाएंगे, तो 80+10 तो आप 90% अभी तक पा सकते हो, अगर अभी से भी तैयारी आप मन लगाकर शुरू करते हो, और अगर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे तो वो तो 90 से अब स्कोर करेंगे, क्योंकि आप 5 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे थे वो भी 90 नंबर पा सकते हैं, अगर वो अभी से डेडिकेटेड होकर इस तरीके से स्टडी करे, ठीक है। अगर आपको ये मेरा प्लान पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप क्लास 10-12 हिंदी मीडियम में किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, 1 सितंबर से शुभम क्लासेस का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको इसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपको सितंबर में 20 नंबर का टारगेट दिया जाएगा, और आपको जो जो चीजें तैयार करनी है वो हम पूरा बताएंगे कि आपको 20 नंबर का क्या तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि हम आपको 10 नंबर इजी भी तैयार करवाएंगे और 10 नंबर हार्ड भी, क्योंकि पता चला आप इजी चीजें याद कर लिए और एग्जाम टाइम में आपको हार्ड चीजें याद करनी पड़ी, जैसे जो चैप्टर कठिन होते हैं, जो चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम लोग तैयारी जो आपको करवाएंगे बैच में उसमें 10 नंबर आपका सरल रहेगा, 10 नंबर कठिन रहेगा, इससे क्या होगा आपकी बैलेंस रहेगा, और आप जब एग्जाम टाइम में जाओगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, ताकि आपका रिविजन करने में भी आपको बहुत मजा आए, ठीक है। सेकंड बात, इसमें आपको इस बार इस वाले बैच में आपको अपना डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जो 1 घंटे के लिए डेली ओपन होगा, और आपके जो भी चैप्टर से डाउट रहेंगे आप उसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर से पूछ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात शुभम क्लासेस पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स
आपके लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हो सभी वीडियो सभी टीचर्स अलग अलग बनाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो में अगर बने हो तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आपको 90 प्लस फोड़ना है इस चैनल से आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो कितने स्टूडेंट 1995 मैथ्स में 99 मार्क्स तक बच्चे स्कोर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपको इसमें नोट्स भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपके इस सिलेबस जो रिड्यूस हुए हैं एकदम न्यू सिलेबस के हिसाब से, और प्रैक्टिस सेट जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है किस तरीके से प्रैक्टिस सेट उन्हें मिल रहा है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर से टाइप हुए एकदम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज में प्रोवाइड करूंगा, आपके जो 30% सिलेबस घटे हैं उनको रिड्यूस करके, और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं घटा है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा, आपको पिछले 3 साल के पेपर मिलेंगे और उस पेपर में से जो आपके सिलेबस से हट गया टॉपिक चैप्टर है उसको रिड्यूस कर दिया गया, उन चैप्टर से क्वेश्चन को हटाया जा रहा है, ताकि आपका कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप एग्जाम में वही चैप्टर्स पढ़ो वही टॉपिक पढ़ो जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। थर्ड बात, अगर आपको जुड़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना है आपको शुभम क्लासेस, ठीक है, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके सबसे पहले उसे 5-स्टार रेटिंग करनी है, फिर आपको वहां से टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। उसको ज्वाइन करने का अभी फीस सिर्फ 599 रुपए चल रही है पूरे साल की एग्जाम तक की, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास जो ये फीस चल रही बहुत जल्द बढ़ने वाली, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत तेजी से इनरोल कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी आप आज ही ज्वाइन कर लो इस बैच को। अगर आप डायरेक्ट इससे पेमेंट नहीं कर सकते एप्लीकेशन से, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है और पेटीएम फोन पे गूगल नंबर दिख रहा है, ठीक है, आप वहां से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको 15 मिनट के अंदर इस बैच में जोड़ दिया जाएगा और आपको लेसन 1 से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और जो ये स्ट्रेटेजी है इसके लिए अलग से एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट से 20 सितंबर सितंबर में ये तैयार करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। आज शाम 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, जितने भी डाउट है आप आज पूछ लेना और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।